हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th जो कि हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये शुरू है। और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था। हमारे कुछ क्लासिफिकेशन रह गए थे, तो आज हम वही देखने वाले हैं कौन से आगे के क्लासिफिकेशन हैं। तो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स के जो आगे और क्लासीफाई होता है वो विनिलिक हैलाइड में होता है। तो विनिलिक हैलाइड क्या होता है वो देखते हैं। इन विनिलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफैटिक चेन। तो सबसे मेन इसमें यह है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को जब भी हेलोजन अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे विनिलिक हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो भी हाइब्रिडाइजेशन तीन टाइप के होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके लास्ट लेक्चर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक्स मैंने बताए थे, तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहले वो देखिए, फिर आगे का देखिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कोई भी कंपाउंड में, तो वो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब होता है। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को जो हैलोजन अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, विनिलिक हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, तो X यानी हमारा हैलोजन हो गया, और जो जिसको हैलोजन अटैच्ड है उसके पीछे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो याद रखना, जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसको विनिलिक हैलाइड बोलेंगे। सेम यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये एलिफैटिक चेन ही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग जो प्रेजेंट होती है, अंदर से रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एलिफैटिक चेन है, और एलिफैटिक चेन पे डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन में हैलोजन अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा विनिलिक हैलाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन यानी हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यानी क्या हो गया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहा तो ये जो कार्बन रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp1 हाइब्रिडाइज भी बोल सकते हैं, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और जब भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अगर हैलोजन अटैच्ड है, ये जो x है इसको ये हैलोजन है, ये कुछ भी हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो जाता है, या फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी रह सकता है, वो हैलोजन है, तो हैलोजन को x से डिनोट करते हैं। तो ये जो हैलोजन है जब भी sp हाइब्रिडाइज यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हेलो अल्काइन्स। जैसे कि एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड X, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड के बाद में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और उसको जो हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हेलो अल्काइन्स। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स को हेलो अरीन्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं हम अरील हैलाइड क्या होते हैं। हैलोजन एटम इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अरोमेटिक रिंग। अरोमेटिक रिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को ही हैलोजन अटैच्ड है। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, ये जो हैलोजन हमें दिख रहा है X, ये डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग यानी अरोमेटिक रिंग हो गई, और एलिफैटिक चेन क्या हो गई, एलिफैटिक यानी ये जो डायरेक्टली स्ट्रेट चेन्स होती है या फिर ब्रांच्ड चेन होती है उसको एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं, पर अरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग डायरेक्टली, इजी लैंग्वेज में अगर हम अरोमेटिक रिंग क्या है बोले तो बेंजीन रिंग। तो जब भी बेंजीन रिंग को डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे अरील हैलाइड्स या फिर हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स यानी ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, हम आगे नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब भी बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अरील हैलाइड्स। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे CH3 है, लेकिन हैलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्ड बना के अटैच्ड है, एक H उसमें से रिप्लेस होके डायरेक्टली वो जो हैलाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को आके अटैच हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, हेलो अरीन्स या फिर अराइल हैलाइड्स। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी जो हैलोजन है हमारा वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच रहेगा। ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को डायरेक्टली यहाँ पे ये हैलोजन अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन एटम को ही हैलोजन अटैच्ड है, वो भी अरोमेटिक रिंग के, तो उसी को बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स देख लिया, अब हम नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट की तरफ जाएंगे।
नॉमिनिक्लेचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से नीट और सीईटी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल का आईयूपीएससी नेम या फिर कॉमन नेम पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया इस वीडियो में से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा नॉमिनिक्लेचर। नॉमिनिक्लेचर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड की नेमिंग ही नहीं आएगी तो फिर आपको कंपाउंड कुछ समझ नहीं आएगा या फिर उसकी रिएक्शंस जो है वो समझ नहीं आएगी। तो हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे होता है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हम नॉमेनक्लेचर यानी क्या होता है वो समझ लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग, नेमिंग ऑफ अ कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड मेरे पास है तो इसको इसका नामकरण करना, इसका नाम नाम बनाना, तो उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन नेम वाला होता है और एक आईयूपीएसी वाला होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम यानी सिंपली जब भी ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड ये जो आर बॉन्ड एक्स है, जब भी ऐसा कंपाउंड आपको दिखे और अगर आपको बोला गया है कि कॉमन नेम इसका बताइए, तो हमेशा अल्कील पहले आपको लिखना है, अल्कील, और उसको उसके बाद में उसको हलाइड जो रहता है, जो भी हैलोजन यहाँ अटैच्ड है, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और अगर आयोडीन है तो आयोडाइड, इस तरीके से करना है। और अल्किल यानी आर यानी क्या रहता है, CH3, C2H5, ये ऐसे अलग अलग जो भी अल्किल ग्रुप्स है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे फिर उस तरीके से प्रीफिक्स हम आगे लगाते जाएंगे। तो अल्किल ग्रुप बस इतना याद रखना, अल्किल ग्रुप इज फॉलोड बाय नेम ऑफ हैलोजन एज हलाइड। तो ये जो आर बॉन्ड एक्स है, अगर आपको कॉमन नेम पूछा गया तो आपको इस टाइप में लिखना है कि अल्किल हलाइड उसका कॉमन नेम होगा। तो CH3 की अगर हम बात करें, तो CH3 को जब हम मैंने इसको ओपन किया, ये डायरेक्ट डायरेक्ट वाला कंपाउंड दिया था, तो जब मैंने इसको ओपन किया तो C3H जो कि H3, तो 3H मैंने बनाए, और फिर यहाँ से एक बॉन्ड खाली रहता है जहाँ हैलोजन आके अटैच होता है, तो यहाँ एक बॉन्ड खाली होता है जहाँ पे हैलोजन आता है और वहाँ पे फिर वो अटैच होता है और फिर कंपाउंड बनता है। उसी तरह से C2H5 जिसको इथिल बोलते हैं, तो दो कार्बन मैंने लिख लिए और फिर आजू बाजू में पांच हाइड्रोजन बना लिए, और यहाँ से फिर से एक और एक बॉन्ड खाली छूटता है जहाँ हैलोजन आके अटैच होता है। तो इस तरीके से जो इथिल ग्रुप है, जैसे कि अल्किल बताया मैंने, तो ये अल्किल क्या क्या हो जाएंगे, मिथिल हो जाएगा, इथिल हो जाएगा, प्रोपील, ब्यूटिल। तो प्रोपील, ब्यूटिल ये सब याद रखने के लिए एक टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल अगर आपको समझ गया तो कोई भी नॉमिनक्लेचर आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको मिथ बोलेंगे, जो भी प्रीफिक्स हम लगाएंगे यहाँ पे सामने, जो अल्किल है, अल्किल के ALK, ये जो ALK वाला पार्ट है वहाँ पे अगर एक कार्बन है तो मिथ वाला प्रीफिक्स लगेगा, दो अगर कार्बन है तो इथ वाला प्रीफिक्स लगेगा। देखो जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, एक दो, तो दो कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लगा, इथ, ETH लगा, और बाद में YL, जो कि यहाँ अल्किल के बाद में YL लगा है ना, उसी तरह से अल्किल में इथिल में YL आया, और इथ यानी दो कार्बन, दो कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इथ। तो इसी तरीके से तीन कार्बन है तो प्रो प्रीफिक्स आएगा, फोर कार्बन है तो ब्यूट प्रीफिक्स आएगा, पाँच कार्बन है तो पेंट प्रीफिक्स आएगा, फिर सिक्स कार्बन है तो हेक्स जो है वो प्रीफिक्स आएगा, फिर सेवन कार्बन है तो हेप्ट जो है वो प्रीफिक्स आएगा, उसी तरीके से एट कार्बन अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो ऑक्ट जो है वो प्रीफिक्स आएगा, इस तरीके से आगे 9, 10, 11, 12 कार्बन होते हैं। हमें सिर्फ इस चैप्टर में एट कार्बन तक ही पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एट कार्बन तक ही आपको बताया है। बस इतना याद रखना, ये जो टेबल है इतना अगर आपको याद हो गया तो आपको पूरा नॉमेनक्लेचर जो है वो ईजी जाएगा। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे तीन कार्बन है तो उसको प्रीफिक्स हमने प्रोप लगाया। देखो अभी ये जो कंपाउंड है इसमें टोटल कितने कार्बन है वो काउंट करना है सबसे पहले, तो एक दो तीन, तो तीन कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, फिर प्रोपील, तो ये पूरा ये जो अल्किल ग्रुप कौन सा बन गया, ये प्रोपील ग्रुप बन गया, और ये कौन सा अटैच है, हेलोजन कौन सा अटैच है, BR अटैच है, तो हलाइड यानी ब्रोमाइड हो जाएगा, BR है इसलिए ब्रोमाइड। इस तरीके से कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपील ब्रोमाइड। तो आगे हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कॉमन नेम्स कैसे निकालते हैं। कॉमन नेम में जो है तीन अलग अलग टाइप्स और होते हैं, जैसे कि एन अल्किल हलाइड, आइसो अल्किल हलाइड, न्यू अल्किल हलाइड। तो हम देखेंगे कि एन कब लगता है, आइसो कब लगता है और न्यू कब लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर नॉर्मल वाला अल्किल हलाइड है और आपने एन अल्किल हलाइड नहीं लिखा
तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब भी जो हेलोजन अटैच्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, जब भी ये हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे अगर अटैच्ड है तो N आएगा। जब भी ये हेलोजन फर्स्ट कार्बन, अब हम मैं फर्स्ट कार्बन जो बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, अब समझो ये कार्बन जहाँ हेलोजन अटैच्ड है तो ये कौन सा कार्बन हो गया, कार्बन नंबर 1। फिर ये जो दूसरा वाला कार्बन हो गया ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। फिर ये जो तीसरा है ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबरिंग हमें करना है, और जब भी कार्बन नंबर 1 पे अगर हेलोजन अटैच्ड है तो हमें एन जो प्रीफिक्स है वो लगाना पड़ेगा, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो एग्जांपल है, हम इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई आपको कंपाउंड दिखेगा तो आपको सबसे पहले इसमें के कार्बन काउंट करने हैं कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं। तो चलो कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, तीन कार्बन है इसमें। तो ये जो हमने टेबल देखा था इसमें देखो तीन कार्बन है, तो हमने क्या प्रीफिक्स डाला था, प्रोप। तो यहाँ आ गया सबसे पहले प्रोप, ये देखो लिखा मैंने प्रोप। फिर मतलब ये फिर कंपाउंड, ये जो बी आर के इधर वाला, ये जो बी आर के ये साइड वाला जो तीन कार्बन वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो प्रोपील हो जाएगा। कौन सा अल्किल हो जाएगा, प्रोपील, क्योंकि उसमें तीन कार्बन है। उसी तरीके से हमारे पास हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को जब भी हम कॉमन नेम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोपील ब्रोमाइड। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी जो हेलोजन है वो फर्स्ट कार्बन पे अगर अटैच्ड है, जब भी पहले कार्बन पे अगर वो हेलोजन हमारा अटैच्ड है तो हमें एन लिखना है। तो फिर ये पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपील ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन प्रोपील ब्रोमाइड। उसी तरीके से और एक एग्जांपल हमारे पास है, CH3 बॉन्ड CH2Cl। तो फिर से हम एक बार कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है इसमें, देखो दो कार्बन है। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ये देखो दो कार्बन हमारे पास है, तो हमने क्या प्रीफिक्स यूज़ किया था, इथ। तो देखो यहाँ पे भी इथ हमने यूज़ किया है, दो कार्बन हमारे पास है तो इथिल, ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, इथिल। फिर हमें देखना है हेलोजन कौन सा है, तो अगर Cl है तो फिर क्लोरीन है वो, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड। तो इस तरीके से पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथिल क्लोराइड। लेकिन फिर से याद रखना कि अगर फर्स्ट कार्बन पे अगर कार्बन नंबर 1, देखो कार्बन नंबर, हम नंबर लिखना भूल गए, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 है। तो जब भी कार्बन नंबर 1 पे अगर हेलोजन अटैच्ड है तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे। तो ये पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एन इथिल क्लोराइड। समझ में आया, बहुत इजी वे से मैंने बताया है। जब भी फर्स्ट कार्बन पे अगर हमारा हेलोजन अटैच्ड है तो उसको हम नॉर्मल वाला कंसिडर करेंगे, अल्किल हैलाइड। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले कंपाउंड आने के बाद आपको उसमें कितने कार्बन है वो देखना है। उस तरीके से फिर आपको पहले जो अल्किल है उसका नाम लिखना है, फिर जो भी हेलोजन है हमारा उसको हलाइड करके लिखना है। अब आगे हम देखेंगे आइसो कब लगाते हैं, आइसो अल्किल हलाइड कब लगाते हैं। तो देखो, व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स मिथिल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ चेन। तो इसका ईजी मतलब क्या है, देखो जब भी कंपाउंड के अंदर जो मिथिल ग्रुप है, ये देखो मिथिल ग्रुप कौन सा, मैंने ऊपर बताया था कि जब भी CH3 ये जो है इसको मिथिल ग्रुप बोलते हैं, एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन, तो उसको CH3 यानी मिथिल ग्रुप। तो जब भी मिथिल ग्रुप जो है वो कंपाउंड के, अब फिर से हम एक बार नंबर कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आए, ये जो है कार्बन नंबर यहाँ से करते हैं। जब भी याद रखना हमेशा कि जहाँ से हेलोजन अटैच्ड है वहाँ से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। अगर आपने गलत साइड से नंबरिंग शुरू कर दी तो आपका जो कंपाउंड है उसका नाम बदल सकता है और आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है। तो ध्यान रखना, जहाँ से हेलोजन अटैच्ड है वहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2 3, और ये हो जाएगा 4। तो आइसो अल्किल हैलाइड यानी क्या हो जाएगा, जब भी व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स मिथिल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ चेन। तो ये हमारी चेन हो गई ये पूरी, ये जो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी है इसमें कार्बन नंबर 2 पे जब हमने नंबरिंग की, तो 1 फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसके जो अल्किल हैलाइड है उसके सामने हम आइसो लगाएंगे। तो आइसो कब लगाएंगे, जब भी सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम आइसो लगाएंगे, इतनी बात याद रखना। देखो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है और थर्ड हमारे पास ये है, ये जो है ये थर्ड कार्बन हो जाएगा। तो ये देखो सेकेंड कार्बन पे फिर से कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके सामने हमने आइसो लगाया। बस इतना याद रखना कि जब भी सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें अल्किल हैलाइड के सामने आइसो लगाना है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या बता रहा है। सबसे पहले फिर से हम कार्बन काउंट करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो
ये जो है ये वाला कार्बन भी हमें काउंट करना होता है जब भी हम कॉमन नेम की बात करते हैं, तो ये कार्बन भी हमें काउंट करना होता है, लेकिन IUPAC में ये कार्बन जो है इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको अलग से मिथाइल बोल के लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है, इसलिए पेंट प्रीफिक्स लग जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर वो टेबल देखा था। वो टेबल अगर आपको समझ आ गया तो आपको पूरा नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। तो देखो पांच कार्बन है इसलिए हमने पेंट प्रीफिक्स लिया, तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, पेंटिल। और हमारे पास हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन है, तो फिर ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। और आइसो क्यों लगाया हमने, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने आइसो लगाया, तो पूरे कंपाउंड का ही नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है आइसो ब्यूटिल फ्लोराइड। आइसो अभी मैंने बताया, आइसो क्यों लगाया हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे हमें जो मिथाइल ग्रुप है वो दिख रहा है, इसलिए इसको आइसो हमने लगाया। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल हो जाएगा। और हेलोजन कौन सा है हमारे प्लस, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से ये आइसो ब्यूटिल फ्लोराइड जो है ये पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नियो अल्किल हैलाइड। नियो अल्किल हैलाइड क्या होता है, नियो कब हम लगाते हैं अल्किल हैलाइड के पहले, वो अब हम देखेंगे। व्हेन सेकंड कार्बन ऑफ चेन कंटेन्स 2 मिथाइल ग्रुप, तो जब भी हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसका जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड ये कार्बन हो जाएगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये कार्बन हो गया। तो जब भी सेकंड कार्बन, ये जो सेकंड कार्बन हमारे पास है इस पर 2 मिथाइल ग्रुप हमें दिख रहे हैं, तो जब भी सेकंड कार्बन पे हमें 2 मिथाइल ग्रुप दिखेंगे, तो हम उसको क्या, उसके सामने जो अल्किल हैलाइड है उसके सामने नियो लगाएंगे, हमेशा याद रखना। ये देखो हमने यहाँ पे भी नियो लगाया है, तो जब भी सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट रहेंगे तो हम नियो लगाएंगे। तो हम एग्जांपल का एक बार फिर से नॉमेनक्लेचर कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा। सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, और 6 और 7, तो 7 अगर हमारे पास कार्बन है तो हम हेप्ट जो है वो प्रीफिक्स लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे फिर हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टिल। और हमारे पास हैलोजन कौन सा है, एफ है, जो कि फ्लोरीन है, तो फ्लोराइड हो जाएगा। तो पूरे कंपाउंड का क्या नाम क्या हो जाएगा, नियो हेप्टिल फ्लोराइड। सेकंड हमारे पास है, और एक सेम एग्जांपल देखो, फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो गया, तो सेकंड कार्बन पे हमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच दिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नियो लिखेंगे। और हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये बीच वाला 5, 5 कार्बन है, तो पेंट वाला जो प्रीफिक्स है वो लगाएंगे, तो पेंटील वो हो जाएगा। और हैलोजन हमारे पास आय है, जो कि आयोडीन है, तो आयोडाइड वो जो हैलोजन हैलाइड हो जाएगा, तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, नियो पेंटील आयोडाइड। इस तरीके से कॉमन नेम जो है वो हमने आज अभी देखे। अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है वो देखेंगे। तो हमने कॉमन नेम देख लिया, अब हम IUPAC नेम की तरफ जाएंगे। IUPAC नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिस तरीके से हमने कॉमन नेम में जो आर बॉन्ड एक्स को अल्किल हैलाइड लिखा था, उसी तरीके से IUPAC नेम में बस इतना चेंज होगा कि हेलोजन जो है वो हम पहले लिखेंगे, बाद में जो सफिक्स है उसमें हम अल्किल लिखेंगे, जो जिसको अल्केन बोलते हैं। अल्केन की जगह अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अल्केन की बात कर रहे हैं। इसलिए IUPAC नेम में बस इतना याद रखना कि हम इस फॉर्म में हमें जो IUPAC नॉमेनक्लेचर वो करना होता है, जिसको हेलो अल्केन बोलते हैं। हेलो की जगह हेलोजन आ जाएंगे, जो कि ब्रोमीन, ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरीके से हेलो की जगह जब हेलोजेंस आ जाएगी, और अल्केन की जगह मीथेन, इथेन, एक कार्बन है तो मीथेन आ जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेन आ जाएगा। इस तरीके से जो जो भी नॉमेनक्लेचर वो होगा, हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा। अगर जितने ज़्यादा आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये नॉमेनक्लेचर ईजी जाएगा, और आपको क्लियर होता जाएगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अब हम इस देखते हैं क्या इसमें दिया है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो आपको इस एग्जांपल में समझ आएगी। सबसे पहले हम इजी वाले जो एग्जांपल्स है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि IUPAC नेम कैसे हमें लिखना पड़ता है। पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, CH3 बॉन्ड CH2 Br। तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम इसमें कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं। तो 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की वजह से कौन सा ये आ जाएगा, अल्केन अपने पास कौन सा आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। इथ जो है 2 कार्बन के लिए यूज़ होता है, जो हमने पीछे टेबल देखा था, 2 कार्बन के लिए इथ जो है वो यूज़ होता है। और हमारे पास हैलोजन कौन सा है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl। तो सबसे पहले हम फिर से देखेंगे कि हैलोजन हमारे पास कौन सा है, हैलोजन कौन सा दिख रहा है आपको, Cl दिख रहा है, क्लोरीन। तो फिर इसमें IUPAC में क्या हो जाएगा,
क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, जैसे हेलो है ना, ये हेलो बस इतना ही लिखना है कि क्लोरो का जो स्टार्टिंग के तीन वर्ड्स है क्लोरो, तो क्लोरो, और फिर हम कार्बन काउंट करेंगे कितने, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोप प्रोप आएगा, फिर पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। वन क्यों आया, वन क्योंकि हमने, मैंने जैसे बताया था कि कार्बन को 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग आपको करना है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे ये क्लोरीन अटैच्ड है इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये जो कार ये सी एल अगर सेकेंड वाले कार्बन पे है, देखो फिर से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, तो ये देखो अब कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है, जो अपना हमारा हेलोजन है, सॉरी हेलोजन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या लिखा टू, और हमारे पास हेलोजन कौन सा है क्लोरीन, तो क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और कार्बन हमारे पास कितने, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो पूरा जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो दोनों है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन उसके अंदर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब सेम है, इसलिए उसको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स में देखो क्या चेंज हुआ, बस ये जो क्लोरीन है फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन पे आया, बाकी तो ये दोनों सेम ही है, कंपाउंड का नाम भी सेम है, सिर्फ जो हेलोजन की जो प्लेस है वो चेंज हुई, फर्स्ट से वो सेकेंड पे आया, इसलिए उसको आइसोमर्स बोलते हैं। फिर फोर्थ हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, देखो CH3, CH, CH2, CH3, तो इसका देखो सबसे पहले हमारे पास हेलोजन कौन सा है, हेलोजन कौन सा आपको दिख रहा है, देखो ब्रोमीन जो है वो हेलोजन है, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा IUPAC में, ब्रोमो हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्रोमो। और फिर हम कार्बन कितने, कार्बन के कितने हैं, वो जो कार्बन का नंबर मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, ये हमने कार्बन की नंबरिंग कर दी। कार्बन की नंबरिंग करने के बाद जो हमारा हेलोजन है वो कौन से प्लेस पे अटैच है, थर्ड कार्बन पे अटैच है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 ब्रोमो। अब हम कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है, तो क्या प्रीफिक्स आएगा, ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन, तो हमारे पास एल्केन कौन सा आ गया, ब्यूटेन, तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्रोमो-ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है इजी वे में मैंने बताया। सबसे पहले बस इतना याद रखना कि हेलोजन जो है वो हम पहले लिखेंगे, और फिर कार्बन काउंट करके जो सफिक्स है अल्केन वाला उसकी जगह अगर एक कार्बन है तो मिथेन आ जाएगा, दो कार्बन है तो इथेन आ जाएगा, इस तरीके से जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उस तरीके से वो अल्केन आते जाएंगे, और हेलोजन को जो है उसको हेलो हमें लिखना रहेगा। तो ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर ये होता है। अब हम देखते हैं इसका जो कॉम्प्लिकेटेड वाले, इसमें IUPAC नेम आपको पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो जैसे मैंने बताया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये एक यहाँ अटैच्ड है, एक यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, एक यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से करें। तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि यहाँ से देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमें इस तरीके से एक चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन क्यों इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ से जो है ये कंपाउंड लॉन्ग हमें दिखेगा, और इसलिए फिर यहाँ से हमें नंबरिंग ईजी जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट कार्बन लिख दिया, फिर यहाँ पे सेकेंड कार्बन ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, और फिफ्थ ये हो जाएगा। तो अब हमें ईजी जाएगा कि जो भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं होगा। तो अब देखो जब हमने मैंने नंबरिंग कर दी, तो अब हम देखेंगे ब्रोमो हमारा हेलोजन कहाँ अटैच्ड है, तो कौन सा हेलोजन हमारे पास है, ब्रोमीन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो लिख देंगे। ब्रोमो कौन से नंबर पे अटैच्ड है, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, थर्ड वाले कार्बन पे अटैच्ड है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 3-ब्रोमो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है क्या, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है, ये मिथिल ग्रुप जो है CH3, ये एक फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है, तो इसको ये हम देखेंगे कि कौन से कार्बन पे ये अटैच्ड है। तो देखो कौन से कार्बन पे वो मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 2-मिथिल, तो 2-मिथिल मिथिल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए मिथिल लिख दिया। तो अभी तक के कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्रोमो-2-मिथिल। अब हम कार्बन काउंट करेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, पाँच कार्बन है इसलिए पेंट आ जाएगा प्रीफिक्स, तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, 3-ब्रोमो-2-मिथिल-पेंटेन। इस तरीके से ही IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहले हम फिर से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये जो हो जाएगी ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, फिर हम नंबरिंग करेंगे कार्बन नंबर 1, फिर ये 2, ये 3, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास हेलोजन कौन सा है, तो हेलोजन हमारे पास BR है, जिसको ब्रोमो हम लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया ब्रोमो। ब्रोमो कौन से नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, 2-ब्रोमो ये हो गया। फिर हम देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है क्या, तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, तो मैंने मिथिल लिख दिया। मिथिल कौन से नंबर पे अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड है, इसलिए 2-मिथिल हो गया। और फिर हम कार्बन काउंट करेंगे 1, 2, 3, थ्री कार्बन है, तो प्रोपेन जो है वो हमारा सफिक्स बन जाएगा, तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमो-2-मिथिल-प्रोपेन।
तो इस तरीके से यूपीएससी नॉमिनक्लेचर होता है, जिस जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉमिनक्लेचर ईजी जाएगा, जितना जितने ज़्यादा एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में आपको दिए है, फिर उसके बाद यूज़ योर ब्रेन पावर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व कीजिए। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो यूपीएससी नॉमिनक्लेचर और कॉमन नेम क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके बताइए। आज के लिए हम यही रुकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जे सर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।